पापा जी भूरी गाय गाय नहीं है वो बैल है जेंडर भी समझ में नहीं आ रहा बताओ यार बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने बॉलीवुड में देखते ही देखते अपने चार दशक पूरे कर लिए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोड़ा, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस दौरान 63 साल के अनिल कपूर ने बड़े पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए हैं। किरदार कोई भी हो, अनिल कपूर ने उन किरदारों को अपने अभिनय से जिंदा कर दिखाया है पर्दे पर। फिर चाहे वो फिल्म वो सात दिन के प्रेम प्रताप सिंह हो, राम लखन के लखन हो, या फिर नायक फिल्म के शिवाजी राव, फिर चाहे वेलकम के मजनू, ऐसा कोई भी किरदार नहीं है जो उन्होंने अच्छे से ना निभाया हो। इन किरदारों में ऐसे कई किरदार हैं जो अभिनेता अनिल कपूर ने खुद ही मांग कर लिए हैं। वो किरदार जो पहले कोई और सुपरस्टार करने वाला था, लेकिन जब उनकी बात नहीं बनी तो खुद अनिल कपूर ने मांग कर निभाए हैं वो किरदार। शेखर सुमन ने शो लाइट कैमरा किस्से में अनिल कपूर से जुड़े एक रोचक किस्से को साझा किया था। आपको बता दें कि उन्होंने बताया था कि फिल्म लम्हे के लिए यश जी की पहली पसंद अमिताभ बच्चन और रेखा जी थे, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि कहानी के लिहाज से अमिताभ बच्चन उम्र में कुछ बड़े ही दिखेंगे, इसलिए उन्होंने अमिताभ बच्चन का ख्याल मन से निकाल दिया और नए चेहरे की तलाश करने लग गए थे। फिल्म की लेखिका हनी ईरानी ने यश चोपड़ा को तस्वीरों से भरा एक लिफाफा दिया था जिस पर लिखा हुआ था, एक न्यू कमर जो आपकी फिल्म को करना चाहता है। उन तस्वीरों को देखने के बाद यश चौंक गए थे क्योंकि वे तस्वीरें अनिल कपूर की थी जो उन्होंने खुद ही भिजवाई थी। उस वक्त अनिल कपूर का बहुत बड़ा नाम बन चुका था। आपको बता दें, उस शो में इस घटना का जिक्र वास्तव से करते हुए शेखर सुमन ने आगे बताया था कि अनिल कपूर की तस्वीरें देखने के बाद यश चोपड़ा ने अनिल कपूर को उनसे मिलने के लिए बुलाया था। अनिल कपूर ने यश को कहा कि वो हर कीमत पर उनकी ये फिल्म करना चाहते हैं। यश ने बहुत समझाने की कोशिश की कि वह फिल्म के किरदार के हिसाब से बड़े दिखेंगे, लेकिन अनिल कपूर ने उनकी एक बात ना मानी। और आपको बता दें कि अनिल उनसे बार बार यही कहते रहे कि वो इस रोल के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तभी अचानक यश पूछ बैठे कि क्या वो अपनी मूंछ हटवा सकते हैं। काफ़ी सोच विचार करने के बाद अनिल कपूर ने फाइनली अपनी मूंछ हटवाने के लिए तैयार हो गए। और आपको बता दें कि यश ने उन्हें दूसरे दिन ही फोटोशूट के लिए बुला लिया था और बिना मूंछे के अनिल कपूर और अभिनेत्री श्रीदेवी की जोड़ी यश चोपड़ा को बेहद पसंद आई थी और तब जाके ये फिल्म लम्हे बनी थी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है अंकित मल्होत्रा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।